कि सो मच कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और रही बात मेरी खूबसूरती की, तो वो दर्शकों का प्यार है जो मुझे खूबसूरत बनाते जा रहा है। आज भोजपुरी अवार्ड है, 11वां साल हो रहा है भोजपुरी अवार्ड को। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पहला अवार्ड मुझे 2008 में मिला था, भोजपुरी अवार्ड 2008 में। सेकंड बेस्ट आइटम क्वीन का अवार्ड 2009 में मिला था विनोद गुप्ता जी के हाथों। मैं धन्यवाद करती हूँ विनोद गुप्ता जी का और हमारे जूरी मेंबर का, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और कलाकारों का साहस बढ़ाया है। अगर अवार्ड नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम एक के बाद एक काम करते, जैसे 2007 में मैंने शुरुआत किया, 2008 में पहला अवार्ड मिला, तो एक साहस बढ़े यार कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, ताकि 2009 में भी अवार्ड लूँ। और अवार्ड मिलने से एक साहस बढ़ती है, इंसान का काम करने का एक साहस बढ़ता है। तो मैं इसीलिए बस धन्यवाद करना चाहूँगी विनोद गुप्ता जी का और हमारे जूरी मेंबर का। इसके अलावा अपकमिंग तो मुझे खुद को याद नहीं होती, क्योंकि हर फ्राइडे 2-3 फिल्म तो रिलीज़ हो ही जाती है और मैं खुद गिनती भूल जाती हूँ अपनी फिल्मों की। लेकिन आने वाली काफ़ी फिल्में हैं, जो एक मेरी दिलवाला आ रही है सतीश जैन जी की, जो जिसमें खेसारी जी और रक्षा जी हीरो हैं। ऐसी काफ़ी बड़ी फिल्में हैं जो आ रही हैं, दर्शक देखेंगे हर फ्राइडे 2-3 फिल्में तो देखते ही होंगे दर्शक मेरे। और मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, सीमा सिंह को एक सीमा आइटम क्वीन सीमा सिंह बनाया है। दर्शकों से इतना ही बोलना चाहूँगी, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इससे भी अच्छा मैं जितना ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ उतना ज़्यादा करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पूछ लीजिए आप, ऐसे मत खुश होइए, मुझे ज़्यादा खुशी होती है। फिर बात करें जो है कि एक अलग रिकॉर्ड आपने बनाया है कि दोहा कतर में आप एक ही साल के अंदर चौथी बार शो करने जा रहे हैं, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है आपकी बातों से कि मैं बहुत जल्दी बॉलीवुड में जाने वाली हूँ। क्योंकि नहीं, इच्छा तो मेरी भी है बॉलीवुड जाने की। रही बात दोहा कतर की, मुझे 2-3 साल से दोहा कतर से बुलावा आ रहा था, बट मुझे ऐसा लगा यार मुझे यूपी बिहार से बहुत प्यार है और वहाँ के शो में कभी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे लोगों ने बोला कि यार तुम्हें जाना चाहिए वहाँ, अपने यूपी बिहार के लोग ज़्यादा हैं। मैं 18 दिसंबर 2015 में वहाँ गई थी फर्स्ट टाइम। ये मेरे दर्शकों का प्यार रहा है कि मैं 2 मार्च को, 6 जुलाई को और वापस अब 2 दिसंबर को दोहा कतर जा रही हूँ। ये मेरे दर्शकों का प्यार है और मेरे आंसू निकलते जब मैं दोहा कतर जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी जगह पर आई हूँ। इतना प्यार वहाँ के लोगों से मिलता है। मैं बोलती हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि दोहा कतर में हमारी भोजपुरी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है, सिर्फ YouTube पर देख के वो हमारे फ़ैन हैं, करोड़ों फ़ैन हैं वहाँ पर, लाखों भी नहीं करोड़ों फ़ैन हैं वहाँ पर, जो सिर्फ YouTube पे हमारी फिल्में देख के हमें पसंद करते हैं और वो एक एक कलाकारों को वहाँ पर जानते हैं। जब मैं 18 दिसंबर 2015 में गई थी, तो मैंने एक ही शब्द बोला था कि मुझे आज इतना अच्छा लगा है कि मुझे जब भी बुलावा आएगा मैं एक पैर पर दौड़ आऊँगी। और ये उन मेरे दर्शकों की मेहरबानी रही है कि एक साल के अंदर मैं चौथी बार दोहा कतर जा रही हूँ 2 दिसंबर को। अरे लड़ लग लो ना, रुक जा यार राम भाई। थैंक यू।